अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी पालक गोश्त। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। चिकन लिया मैंने 1 kg, डीप फ्राई करेंगे हम 5 मिनट के लिए। तो रेंज जी हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है अच्छे से, अब मैं निकाल लूँगी। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है, 3/4 कप ऑयल जाने दिया है इसमें। इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी, हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट करना है प्याज को। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, और जो प्याज है हमारे इनको सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 4 चम्मच। अब मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच। अच्छे से फ्राई करूंगी यहाँ तक कि ऑयल हमारा जो है वो अलग हो जाए मसाले से। हरी मिर्च ऐड करूंगी, टमाटर लिए मैंने 2 से 3 अदद। अब मैं कवर कर दूंगी टमाटर सॉफ्ट होने तक। अब मैं इसमें बॉईल की हुई पालक ऐड करूंगी। 1.5 kg मैंने पालक ली थी, जिसको बारीक काट के मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। आज से 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। उसके बाद मैं अब इसको कवर कर दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिजॉल्व हो जाए इसमें। 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। अब मैं मिक्स करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर दूंगी फ्राई किया हुआ। चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैं कवर कर दूंगी इसको 5 मिनट के लिए। तो लें जी हमारा पालक गोश्त रेडी है। तो अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।